उत्तर प्रदेश जिला मिर्जापुर लालगंज तहसील परिसर में एडवोकेट चंद्र दत्त त्रिपाठी से जानकारी प्राप्त हुई कि आए दिन हो रही चोरियां। लालगंज तहसील परिसर में एक हफ्ते के अंदर 3 बाइक चोरी हो चुकी है, जिसका पता अभी तक नहीं चला। पहला बाइक एडवोकेट अशोक सिंह, दूसरा बाइक नीरज लेखपाल और तीसरी बाइक 3 जनवरी 2021 को एडवोकेट मनोज दुबे की चोरी हुई। उसी रात लालगंज में रहने वाले हुबलाल दुबे की बोलेरो भी चोरी हुई, जिसका पता अभी तक नहीं चला। इस घटना को लेकर अधिवक्ता संघ के लोगों ने उपजिलाधिकारी जंग बहादुर यादव लालगंज को जानकारी लिखित रूप से दिया गया। जानकारी पाते ही उपजिलाधिकारी लालगंज ने तुरंत लालगंज कोतवाली प्रभारी निरीक्षक को यह घटना से अवगत कराया। लालगंज कोतवाली प्रभारी निरीक्षक आश्वासन दिए कि मैं अपनी पुलिस बल के साथ चोरी हुई वाहनों को एवं चोरी करने वाले अभियुक्तों को जल्द से जल्द खोज निकालने का प्रयास किया जा रहा है और जैसे ही सुराग मिलता है तो चोरी करने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उचित कार्यवाही की जाएगी और चोरी हुए वाहनों को कस्टडी में लेते हुए वाहन स्वामियों को सौंपने का काम किया जाएगा और वहां उपस्थित अधिवक्ता संघ के लोग जैसे कि कमलेश कुमार, अनिल मौर्य, पन्नालाल, शरद कुमार मौर्य, नित्यानंद मौर्य, राजेंद्र प्रसाद मौर्य एवं समस्त अधिवक्ता गण उपस्थित रहे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए भूप नारायण मौर्य की खास रिपोर्ट। चंद्रदत्त त्रिपाठी एडवोकेट जी, अध्यक्ष उपरोध अधिवक्ता संघ लाल जी, ये तहसील में काफी अधिवक्ता संघ के लोग उपस्थित है। सर, क्या समस्या है, क्या जो है की उद्देश्य है? तहसील की समस्या इस समय सबसे जटिल यह है कि यहाँ आए दिन जो है बाइक चोरी हो रही है जी, और तहसील परिसर में जो साइकिल स्टैंड बना हुआ है, चूँकि साइकिल स्टैंड की नीलामी नहीं हुई है और सीसी कैमरे लगे हुए हैं, इसके बावजूद भी अधिवक्ता और जो बादकारी अपनी बाइकें यहाँ खड़ी करते हैं उन बाइकों की चोरी हो रही है। हफ्ते भर में 3 बाइक जो है चोरी हो चुकी, एक जो है अशोक सिंह एडवोकेट साहब का पहले पहल, इसके 2 दिन बाद जो है एक नीरज लेखपाल साहब की बाइक चोरी हुई और 3 तारीख को मनोज कुमार दुबे एडवोकेट साहब की जो है सुपर स्प्लेंडर जो है चोरी हुई और उसी रात में श्री हुबलाल दुबे जी जो लालगंज के निवासी हैं उनकी ब्लोरो भी उनके मकान के सामने से चोरी हो गई। उनकी ब्लोरो उनके मकान के सामने लालगंज सड़क पर। अच्छा, उनकी ब्लोरो सड़क पर से 3 बाइक तहसील तहसील से जो है गायब हुई है। अच्छा, इन सब घटनाओं की जैसे सक्षम अधिकारियों को किसी प्रकार अवगत कराया गया आप लोगों द्वारा? हाँ, SDM महोदय को जो बाइकें जो है पहले चोरी हुई थी उसकी सूचना जो है SDM को दिया गया लिखित तौर पे और उन्होंने थाना प्रभारी जो है लालगंज को निर्देशित किया आवश्यक कार्रवाई करने के लिए। जो 3 तारीख की घटना हुई है उस दिन SDM महोदय मौजूद नहीं थे, उनकी अनुपस्थिति में तहसीलदार महोदय को अवगत कराया गया। तहसीलदार महोदय सीसी कैमरा देख करके उस व्यक्ति को अपराधी को जो है ट्रेस किए, लेकिन उसका चेहरा जो है समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें शाम 6:24 हो रहे थे, अंधेरा हो गया था और सीसी कैमरा में वह किस तरह से बाइक को ले जा रहा है वह सारे फुटेज दिखे गए, हम लोगों ने भी देखा, लेकिन उसका चेहरा जो है पहचान में नहीं आ रहा। अच्छा, तो ये पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना है कि हम इसका पता लगा रहे हैं, जो बाइकें पहले चोरी हुई हैं उसका भी जो हम खोजबीन कर रहे हैं, इसकी भी खोजबीन करेंगे। लेकिन अभी तक कोई उसने सूचना नहीं दिया? अभी हमको सूचना नहीं दिया कि हाँ क्या सफलता उन्होंने प्राप्त की जी। इसके बारे में बाइक पकड़ी गई ना, ब्लोरो पकड़ी गई ना, चोर पकड़ा गया नहीं, इसके बारे में हम लोगों को अभी अवगत नहीं कराया। नहीं कराया। बहुत धन्यवाद।